26 दिसंबर को दो शुभ योग में पड़ रही साल की आखिरी पूर्णिमा, इसी दिन पूर्ण चांद के साथ दस्तक देगी मार्गशीर्ष पूर्णिमा। साल की आखिरी पूर्णिमा पर ये उपाय भरेंगे धन के खजाने। नमस्कार दोस्तों, 26 दिसंबर दिन मंगलवार को पूर्ण चांद के साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा दस्तक देगी। ये पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा होगी। बता दें कि इस दिन दो अति ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिससे ये पूर्णिमा और भी ज्यादा खास बन गई है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिसके चलते आज के इस वीडियो में हम आपको साल की आखिरी पूर्णिमा पर करने वाले उन अचूक टोटकों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको आने वाले साल में कभी धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं पहले उपाय से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल की आखिरी पूर्णिमा के दिन पूजा स्थल पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक में दो लौंग डाल दें, इसी के साथ लाल कपड़े में चार लौंग डालकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष रख दें और फिर कनक स्त्रोत का पाठ करें। इस दिन कनक स्त्रोत का पाठ करना बेहद शुभ फलदायी रहता है, इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। आप पूजा समाप्ति के बाद लाल कपड़े में रखे लौंग की तिजोरी में रख दें, इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन होता है। दूसरा उपाय, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पीले मीठे चावल का विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर इन्हें कन्याओं में बांट दें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होता है और परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अगले उपाय की बात करें तो यदि व्यापार मंदा चल रहा है, तरक्की रुक गई है, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी के पास गोमती चक्र पूर्ण विधि के साथ स्थापित करें। इस दौरान ओम श्रीम नमः की 21 माला का जाप करें। पूजा के बाद इसे अगले दिन पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान या तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे दुर्भाग्य का नाश होता है और करियर संबंधी हर परेशानी दूर होती है। तो वहीं धर्म शास्त्रों के मुताबिक मानसिक शांति के लिए पूर्णिमा के दिन जल में चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए भगवान शिव को एक मुट्ठी अक्षत अर्पित करें। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी की तिथि मानी गई है। इस दिन शाम को माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों का विधि विधान के साथ पूजा करें और खीर का भोग लगाने से देवी लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप भी साल की आखिरी पूर्णिमा के दिन इन सभी अचूक टोटकों को जरूर अपनाएं और साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा पाएं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।